हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं बीटीएस की रील्स, और मिक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी मिक्स हैं। आखिरी मेरे ख्याल में ये होगा आशूरा से पहले हमारा बीटीएस की किसी वीडियो का या रील का सेशन, क्योंकि आपको पता है एहतराम मुहर्रम है जी, उसको भी सामने रखना है। और ये सब स्टार्ट करने से पहले जो है ना, आपको पता ही होगा जो मणिपुर का इंसिडेंट सामने आया है। मेरे ख्याल में जितने भी दिलो दिमाग रखने वाले लोग हैं, वो सारे वो विजुअल्स देख के हिल गए हैं। और मैं हैरान हूँ अभी तक। मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 महीने पहले का इंसिडेंट है वो, 3 महीने पहले का। तो चलो, जो भी है, सोशल मीडिया का प्रेशर है या जो भी है, पकड़े ज़रूर जाने चाहिए। और सिर्फ पकड़े नहीं जाने चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेन कल्प्रेट पकड़ा गया है या वो बंदा जो वो साथ लड़की को जिसने दबोचा हुआ था, सिर्फ उसको नहीं पकड़ना चाहिए, उस मॉब में जितने भी लोग थे, सीसीटीवी या फिर मोबाइल फुटेजेस या जैसे भी करके उन्हें पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जाए और हैंग टू डेथ, ख़त्म। पालने की ज़रूरत ही नहीं है जेल में डाल के। बहरहाल, वीडियो देखते हैं जी। बीटीएस, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चीज़ें देखना या सिर्फ उन पे रिएक्ट करना ही नहीं है, अवेयरनेस फैलाना भी है। तो आप अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर यूज़ करें, और जस्टिस के लिए तो ज़रूर यूज़ करें। शुरू करते हैं, 3-2-1 इन। गुड़ खा के मर जावा ओ मेरी अच्छा, ये बांग्लादेश आर्मी जो है उनकी तरफ से वीडियो आया था हमारे बंगाली भाइयों ने। तो भाई देखो, रील्स थी तो आपको पता ही है आशूर है स्टिल हमारी, ये मेरे ख्याल में लास्ट थी।
मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है यार, देखो आशुरा है तो इतना उसमें जो है ना, वो जो है सिनेरियो आशुरे का, तो वो फिर दिल नहीं मानता यार कोई, मतलब इवन के एक पोर्शन ऑफ मुस्लिम्स नहीं भी मानता इन चीज़ों को, और वो अपनी लाइफ उसी तरह नॉर्मल गुजारते हैं, लेकिन भाई हमारा दिल नहीं मानता कि हम इन इस मंथ में या एक ख़ास तौर पे पहले 10 दिनों में कोई भी जो है ना खुशी मनाएं, या फिर जो है ना कोई भी हम नहीं मनाते भाई, ठीक है, क्योंकि ये अय्यामे हुसैन होती हैं। लेकिन अब रिक्वेस्ट आई हुई थी जी, ये लास्ट ही था आशूरा से पहले हमारा BTS का वीडियो, इसके बाद कोई सॉन्ग्स की फ्रीक्वेंसी, सॉन्ग्स की, मीम्स की, रील्स की, इन सब की फ्रीक्वेंसी आशूरे के बाद ही दोबारा से आएगी। तो बाकी जहाँ तक इस वीडियो का ताल्लुक था, अच्छा था, अच्छे से बनाया हुआ था, एक प्रॉपर टच था, और कहते हैं ना फास्ट रील्स भी थी, स्लो भी थी, लेकिन जो फास्ट पेस थी उनमें इफेक्ट्स अच्छे से डाले हुए थे, तो पसंद आया हमें। बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि BTS के तो सॉन्ग्स या फिर उनकी रील्स या फिर बनाने वाले या फिर ये जो बांग्लादेश आर्मी की तरफ से वीडियो आई हुई थी रिक्वेस्ट पे, तो हर चीज़ परफेक्ट है जी BTS की। लेकिन जो मणिपुर की मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में, जितने लोग ये मैसेज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखें आवाज़ उठाएं, बहनें, बेटियां, माएँ, बहुएँ, घर, हर घर में औरतें होती हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट, लैंग्वेज, कुछ भी हो, लड़की थी यार, तो आवाज़ उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू गाइस।